कहां से आया है ये नया जोड़ा? और इतना बनठन के कहां जा रही हो भाई? अब्बू लाए थे जोड़ा मेरे लिए। पराई शादी है, उसमें इतना बन सवर के जाने की क्या जरूरत है? और वो भी तुम्हारे अब्बा के किसी टटपूंजिए दोस्त की। उस पर इतना महंगा जोड़ा और इतना मेकअप खोप कर जा रही हो तुम। तो आप क्या चाहती हैं? नहीं जाऊं मैं, ठीक है मैं नहीं जाती, घर बैठ जाती हूँ, खुश हो जाएं आप। अब ज्यादा मिजाज मत दिखाओ मुझे, शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें इजाजत दे दी। और ये इतनी गहरी लिपस्टिक लगाई, इसको जरा हल्का करो और कोशिश करना कि घर जरा जल्दी आ जाओ। पता नहीं अब्बा बेटी शादी में जा भी रहे हैं कि नहीं, या कहीं और की प्लानिंग है दोनों की। वो तो बड़े चालबाज दोनों मीस ने। हाँ भाई, हाँ दो देना। थैंक यू। एक सेकंड। ये ले, रख ले। शुक्रिया भाई। थैंक यू, थैंक यू। मुझे याद है मैंने पहली बार जब तुम्हें ये गजरे दिए थे ना, तो तुमने ऐसा सलूक नहीं किया था, फेंक दिए थे। और अब लाइट ग्रीन ऑफ हुई है। हाँ सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप और मैडम इतने खुलूस से इनवाइट किया था कि आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे इम्तियाज चाचा हैं और ये मेरे बॉस सिकंदर साहब और ये इनकी वाइफ रुबाब। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जरा अम्मी को बता के आऊं कि आप आए सर। श्योर। बड़ी खुशी हुई आपने तकलीफ की आए यहाँ पे। आइए ना प्लीज प्लीज। आइए। अम्मी अम्मी। जी हाँ बेटे। आइए सिकंदर साहब आए। अच्छा आइए जल्दी आइए। हाँ हाँ आप बैठे मैं अभी आती। हाँ हाँ चलो। सिकंदर साहब बस यहीं बैठे हैं। सर ये मेरी वालिदा हैं, ये सिकंदर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने साहिल के लिए जो कुछ भी किया, उसकी इतनी मदद की, इतनी इज्जत दी उसे। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। साहिल ये रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। मेरी बेटी की शादी के लिए भी बहुत कुछ किया बेटा आपने। वो सिर्फ साहिल की बहन नहीं, मेरी भी बहन है। एनीवेज ये मेरी वाइफ है रुबाब। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके लिए। और नहीं सर नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ किया है मेरे लिए। नहीं सर। क्या हो गया साहिल, भूल जाओ सारी बातों, ना वो एहसान है और ना ये। ये ली जाए। अब साहिल बेटा सर के लिए कुछ लेके आओ। सर आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। जी श्योर। अब आप बैठे ना, मैं जरा और मेहमानों को भी देख लूं। जी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है ना नाजो। जी वो साहिल के बॉस है ना? हाँ हाँ सिकंदर साहब। वो आए हैं और साथ में वो लड़की भी आई है जिसका तुम्हारे भाई के साथ चक्कर चल रहा है। मेरा तो कलेजा ही जल गया उन दोनों को एक साथ देख के। कैसे मेरे बच्चे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है ना, आज तक वो ऑफिस नहीं जा सका इस वजह से।
अच्छा मेरी बात सुनो, तुम एक मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा वो तुम आ गई। हाँ देखा है मैंने। मैं यहाँ खड़े यही सोच रहा था कि कैसे। आ जाओ, ये मौका अच्छा है उससे बात करने का। आ जाओ। रूपा बेटा, मैं फरूख का बाप हूँ और ये उसकी बहन है। मैं जानती हूँ, मैं मिल चुकी हूँ इससे और इसकी मेहरबानी का अंजाम भी भुगत चुकी हूँ। रुबाब, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा और अब्बा का। हमारी वजह से तुम्हारा जेवर तुम तक पहुंचा, वरना मेरा भाई फरूख तो मेरे सामने। प्लीज तुम उसका नाम मत लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। घटिया धोखेबाज इंसान, उसने मुझे बहुत धोखे दिए। बेटा वो तो किसी का भी सगा नहीं है और हम आज से नहीं बल्कि हमेशा से इस कोशिश में रहे कि तुमसे किसी तरह मुलाकात हो जाए ताकि हम तुम्हें फरूख की हकीकत का बता सके। अंकल, मुझे तो उसकी असलियत बहुत देर बाद पता चली, लेकिन तब तक मैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारे घर भी गया था लेकिन तुम्हारी वालिदा ने मेरी बात सुनी नहीं, उल्टा मुझे मार पीट कर बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। और मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि फरूख तुम्हें बर्बाद कर देगा, उससे बच के रहो, वो तुम्हारा घर खराब कर देगा। वो अभी भी यही कोशिश कर रहा है अंकल, आप दोनों प्लीज उसको समझाएं, वो मेरा घर पर बात कर देगा, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है वो। क्या? एक्चुअली फारूक के पास मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो उसने धोखे मिली थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो मेरे ससुराल वालों को दिखाएगा, सिकंदर को स्पेशली। ये तुम क्या कह रही हो रुबाब? मैं ठीक कह रही हूँ अंकल, उसने मुझे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है जिसमें से मैं उसको 20 लाख दे चुकी हूँ और अपने डायमंड के सेट्स भी दे चुकी हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। आप प्लीज दोनों मेरी मदद करें। जी मैं अकेली थी तो अवशैला और अंकल मुझे कंपनी देने के लिए आ गए। ओके दैट्स ग्रेट। एक्चुअली वो एक कॉल आ गई थी जरूरी तो बाहर जाके बात करनी पड़ी, बट थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और कंपनी दी रुबाब को। बेटा आपको और कुछ चाहिए? थैंक यू अंकल। आप प्लीज बैठे ना, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है, बस आप ये समझिए कि मैं साहिल का बाप हूँ और आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज आओ बेटा। बस निकलते हैं 5 मिनट में, ठीक है? फारूक भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुबाब बेचारी उनसे इतनी मोहब्बत करती है और वो इस हद तक गिर गया कि उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। फारूक से तो मैं कुछ भी उम्मीद कर सकता हूँ, करता हूँ इसका दिमाग दुरुस्त। इसके सर से मैंने ब्लैकमेलिंग का भूत ना उतारा ना तो मैं भी इसका बाप नहीं।